शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पता है मुझे डरावने सपने आते हैं कई महीनों से कि मैं ना ट्रेन के पीछे भाग रही हूँ और ट्रेन छूट गई। अब पकड़ ली ना। हाँ। चल चल। मैं तुझे बहुत अच्छी लगती हूँ ना। बहुत बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, मगर वो मेरा प्रॉब्लम है। ओ यार ऐसी जो चाहे फील कर सकते हैं यार, करेक्ट? तुझे बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके? ओके। हुआ। गीत, कुछ देर में हम भटिंडा के लिए निकलेंगे। नहीं। हाँ। मैं उन्हें फेस कैसे करूंगी? फेस क्या करना है, अपने घर वापस जाना है यार। कम ऑन। तुमसे बात कर सकता हूँ? क्या बात है? दो मिनट। अब बात करने का कोई मतलब नहीं है। प्लीज गीत, कहीं चलते हैं। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। मैंने गलती कर दी, ओके। हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर, मैं तुझे घर ले जाऊं। 9 महीने से एक्टिंग कर रहा हूं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं, प्रैक्टिकल हूं, जो कुछ भी किया ठीक किया, मगर सच्चाई तो यह है कि उस दिन तू अचानक चली आई और मैं संभाल नहीं पाया। डर गया था मैं, मम्मी पापा सोसाइटी रिलीजन, मगर आज सबकी ऐसे की तैसी। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन बीच सड़क पे छोड़ दो और फिर 9 महीने बाद वापस आकर कहो कि गलती हो गई, कितना आसान है ना? नहीं, बहुत मुश्किल है, और ये मुश्किल अब मैं आसान करूंगा। बहुत सह लिया तूने, अब सारी प्रॉब्लम्स मेरी। भटिंडा चलते हैं, मम्मी पापा से मैं बात करूंगा, मैं उन्हें समझाऊंगा, सब कुछ फिट कर दूंगा गीत, सब ठीक हो जाएगा। अब क्यों आना था इसको? अब तो सब ठीक हो रहा था। बहुत देर हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत देर हो चुकी है। पता है गीत, मेरे डैड और मामा एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, दोनों किसी और से प्यार करते थे, और इसी वजह से मैं जिंदगी भर तकलीफ में रहा। काम पे बहुत अच्छे थे एक दूसरे के साथ, लेकिन घर पे मैं हमेशा पूछता था अपने आप से, क्यों इन लोगों ने शादी की? उनको अपने दिल की बात सुननी चाहिए थी गीत, फिर एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाता। सिर्फ अपने दिल की बात सुनो गीत, फिर सब ठीक हो जाएगा। मतलब? जब कई साल बीत जाएंगे ना गीत, तो ये 9 महीने किसी को याद भी नहीं रहेंगे। रियली आदित्य, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम उसके साइड लोगे।
मैं तुम्हारी साइड भी तो ले रहा हूं ना गीत, तुम और अंशुमन एक ही साइड पे तो। इट्स सिंपल गीत, जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं उन्हीं को साथ में रहना चाहिए, तभी सब खुश रहेंगे। और तुम? शादी के बाद अपना पहला अफेयर तुम मेरे साथ कर लेना, तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। पक्का? डन डन। नहीं आदित्य, ये सही नहीं है। आई विश ये सही नहीं होता, मगर कमान आज। तू उसको ला रहा है? गीत को ला रहा है? कितने बजे? अच्छा शाम को। ठीक है पुत्र, ठीक है, हम इंतजार करेंगे। ओके। ये हो क्या रहा है यार? लड़की 9 महीने बाद घर आ रही है। जी और मुझे तो यकीन ही नहीं था कि तुम्हारी गीत को यहाँ लेकर आएगा, पर मुझे गलत साबित करके और दिल जीत लेता है। क्यों जीजा जी, राज छुप नहीं पाया आखिर? अच्छा जी, अब उसके चेहरे से नजर भी नहीं हटती। अभी रुको, ये लो, अब खुश नजर ना लग जाए। सच में ये तो जी मेड फॉर ईच अदर है। ले सुनो सुनो मां, ओ मुंडियो देखो और बीच कोई कल्ला बैठा है। आ जाओ जी, वेलकम जी वेलकम, शर्माई दा थोड़ी पंजाबियां दे घर। ओ फ्रेंड है आपके? ये लो ताई जी, ले मिठाई सारी ना खाया, थोड़ी सी छोड़ दे। ले बेटी तू भी खा, खा ले, झूठा खाने से ना प्यार बढ़ता है। अरे अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कंट्रोल रखो जीजा जी। हाय हाय मैं मर जावा। स्माइल है। चुप कर शैतान, परेशान मत कर, चल मत कर, अंदर चल। चलो जी हां, एक मिनट, चल चल चल। ऐसे नहीं गए थे, हाथ पकड़ कर, हाथ पकड़ के ही अंदर आना होगा। क्यों जी आज बड़ी शर्म आ रही है?
कुत्ते दार जी को मिलने जा। प्लीज अभी तर वो इंतजार कर रहे हैं। अभी बहुत लोगों से मिलना है, बड़ी लंबी लाइन है। जा ले जाना है। आ जाओ जीजा जी। एक मिनट। पहली बार जो उसे देखा था मैं समझ गया था, मेरी उम्र में एक ही झलक में पता चल जाता है कि लड़का लड़की के बीच क्या चल रहा है। मैंने तुम्हें पूछा था, तुमने झूठ बोला और तेरा ही आइडिया होगा भाग जाने का, है ना? है कि नहीं? देखा, मुझे पता था शरारती ये है दोनों में। बहरहाल गलती की एक बार माफी होती है, तुमने अपनी गलती कर ली, माफी भी मिल गई। अब आगे कोई भी झटका नहीं आना चाहिए, समझे? पुत्र ध्यान से, खानदान की नंबर वन शैतान है ये, हम लोगों को बहुत तंग किया, तुम्हें भी नहीं बख्शेगी। तुम इमीडिएटली बात करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मम्मी कहाँ है? हेलो, लिसन, ये साला हो क्या रहा है? हाँ, सब सेटल हो जाएगा, तुम जाके मम्मी से बात करो इमीडिएटली। तुम भी चलो ना। एक मिनट, तुम दोनों भागे थे ये मतलब? Actually, हाथ पकड़ के कब भागे थे? इन लोगों को गलत फहमी हुई है, एक्चुअली हुआ ऐसा था कि अमृत, मेरी बात ऊपर ले जाओ गेस्ट रूम में, जा पुत्र जा, फ्रेश हो जा। आजो आजो, बठिंडा पहली बार आए हो? हाँ जी। तो पुत्र बता। देखो मम्मी। अच्छा पुत्र, पहले ये बता तू कैसी है? हाँ, 9 महीने बीत गए, तू ठीक तो है ना? मेरी चिंता मत करो मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आदित्य तुझे ठीक तो रखता है ना? हाँ आदित्य, क्या हाँ वो तेरे साथ ठीक नहीं है क्या? वो मेरा इतना ख्याल रखता है मम्मी, जितना आपने भी नहीं रखा। अच्छा पुत्र, क्या लपटा झुकती चल रही है माँ बेटी में? आप बताओ मुझे धोखा क्यों दिया? भागने वाले थे मेरे साथ और भगा लिया मेरी बहन को। कोई गलत बात है? आपने इसके साथ ऐसा क्यों किया जीजा जी? ऐसी क्या कमी थी मुझमें? बोलो, है कोई जवाब? ओ जी, हुआ ऐसे था कि हाय कैसा जी, वो अंधेरे में धोखा हो गया एक्चुअली। अच्छा जी, मुझे लगा था तू है, सुबह पता चला ये तो तेरी बहन है। अच्छा ये बताओ, ये नमूना कौन है जिसको अपने साथ लाए हो? कौन? वही आपका दोस्त। मेरा कॉन्सोलेशन प्राइज है क्या आपके बदले में? एक मिनट, मुझे थोड़ी सी जगह मिलेगी? चलिए खुड़िया, पा जाओ, गल करन दो। शाबाश, बात करिए, अंदर चलो। हम एक शादी की रस्म करना चाहते हैं गुरुद्वारे में। कानूनी तौर पे तो तुम्हारी शादी हो चुकी है, ये सिर्फ हमारी तसल्ली के लिए। अरे उसकी तरफ मत देखो, तुम बताओ तुम्हें कोई इतराज है तो नहीं करें? जी एक बार आप लोग गीत से बात कर लेते तो अच्छा होता। ओ नहीं, आपको तो कोई इतराज नहीं ना? जी आप एक बार गीत से बात कर लीजिए। चलो वेरी गुड हो गया। गीत से तुम बेटा, तुम्हें अपने सब लोगों को बुलाना है। ओ हां जी आएंगे सब लोग, इनके तो शरीक होंगे ही आएंगे ना जी। वेरी गुड, जिन्हें तबली ऐलान कर रहे हैं चंगा ही। ये तो हाइट से हद ही पार हो गई। सॉलिड कन्फ्यूजन हो गया यार, किसी के दिमाग में नहीं आया कि ऐसा कुछ होगा। बट यू डोंट वरी, हाँ गीत मम्मी से बात करने गई है। अरे उसे आते ही बोल देना चाहिए था। नॉनसेंस, सारे रस्म रिवाज तुम्हारे साथ हो रहे और मुझे यहाँ जबरदस्ती नहलाया जा रहा है। इनफ, कहाँ है गीत? मैं उससे अभी बात करूंगा। अरे एक सेकेंड यार, देखो इस वक्त तो बहुत सारे लोगों से घिरी हुई, मैं उसे अलग ले जाकर बात करूंगा। अंशुमन यहाँ पर सब समझते हैं कि तुम मेरे दोस्त हो,
अगर तुम उसे अलग ले जाओगे तो सबको थोड़ा ऑड लगेगा। अरे उन्हें ऑड लगेगा तो लगने दो ऑड। सच तो वही है ना कि मैं और वो कपल है, और वही तो उन्हें बताना है। हाँ लेकिन उसको हैंडल करने दो यार। देखो सही तरह समझाना बहुत जरूरी है, नहीं तो फैमिली की बेइज्जती हो सकती है। बहुत सारे लोग आए हुए। ये साले लौंडे मुझे जबरदस्ती गन्ने के खेत दिखलाने ले जाना चाहते हैं। क्यों देखूं मैं गन्ने के खेत में? क्या खास बात है गन्ने के खेत में? नहीं देखना मुझे गन्ने के खेत। मत देखो यार, बिल्कुल मना कर दो तुम लोगों को, मत देखो। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। ओके डोंट वरी। एक गल दसा, तेरा वाला मेरे वाले से बेटर है। लकी। अच्छा हुन दस की गल है। देखो मम्मी, ये जो तुम लोग मैं जो बात करना चाहती हूँ, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सब अच्छा है। लेकिन यहाँ जो सब मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ। हाँ पुत्र, तू बहुत थक गई है ना, थोड़ी देर आराम कर ले, सो जा। होशियार, 17 तारीख यानी कि आज तो 2 दिन बाद गुरुद्वारे ने आनंद कारज की रसम पक्की कर दी है। पता नहीं मम्मी से आसानी से बोल सकती थी, पापा को भी चांस भी मिला था, एक अजीब सा डर लग रहा था, बेचैनी सी, जैसे कि कुछ गलत हो रहा है, जैसे कोई ट्रेन छूट रही है। इधर 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 दिखा, क्या हुआ? ये क्या है? क्या ये इधर ऐसा, ये तेरा टेंशन वाला चेहरा है ना, तुझे बिल्कुल सूट नहीं करता, बहुत बुरी लगती है। तो तेरा वो वाला चेहरा है ना, ऐसा देखा, करेक्ट, ऐसे ठाई लगती है तो बिल्कुल ऐसे ही रहा कर, अच्छी लगेगी तो अच्छा अच्छा होगा तेरे साथ, समझी? तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे हो गए हो। सुन अंजुमन से बात कर ले, थोड़ा परेशान। मैं अंदर आ रही हूँ, क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ एक मिनट बात कर। सॉरी, दादी जी ने कहा है ना, आनंद कारज के पहले नो रात को साथ साथ। किसी ने तुम सब का नाम ठीक ही रखा साली। तुमने मेरा दिल तोड़ा है जीजा जी, पूरी जिंदगी का पंगा लिया है मुझसे। चलगी ये भी है यहाँ पर की? गीत तुमसे मिलने आई थी, कह कर गई है सुबह मिलेगी। क्या
I'll see you, man. Hi. Hi. सुबह सुबह ready? बस थोड़ी देर में निकल जाऊंगा. तुम जा रहे हो? जाना है. ये लोग तुम्हें जाने नहीं देंगे. इस बार मैं नहीं रोकूंगा गीत. He's waiting for you. Bye. Geet. Geet. Okay, Geet. No tension, no problem. तूने अभी तक नहीं बताया, कोई बात नहीं, अब बता देंगे. मैं बोलता हूँ कैसे. देख, किसी एक को पकड़ जो पहले मिले, मम्मी पापा चाचा, और बोल हाँ मैं शादी करूंगी, आदित्य से नहीं अंशुमन से. सारा कार्यक्रम वैसे का वैसा ही चलेगा, सारा तामझाम वही, सब लोग उतने ही खुश रहो जितने हो. बस आदित्य को हटा के अंशुमन को ले आ. तू जैसे ये कहेगी वो तुझे 500 बेहतर सवाल पूछेंगे, अरे ये वो कैसे, तो तू जवाब दे कि हम कैसे मिले थे, कैसे मैं अपने दोस्त के साथ तेरे हॉस्टल तुझे मिलने आता, फिर हम कैसे अकेले. बेचैनी सी, जैसे कुछ गलत हो रहा है, जैसे कोई ट्रेन छूट रही है. क्या हुआ गीत? वो आ रहा है.